के साथ साथ देश और समाज की सेवा में पूरी गंभीरता के साथ लगा हुआ है। वर्तमान में योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम में 28 कमरों से युक्त 80 विद्यार्थियों के रहने की एक समुचित और गुणवत्तापूर्ण प्रवास की व्यवस्था है। योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम इन्हीं उपलब्धियों के साथ आगे भी निरंतर अपने विकास के पथ पे कार्य करता रहेगा। मैं योगी राज बाबा गंभीरनाथ सेवाश्रम की इन्हीं उपलब्धियों को परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद विनय जी। सज्जनों, इसी गोरक्षपीठ प्रांगण में भारत की अनमोल और अमूल्य धरोहर योग के शिक्षण प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान गोरखनाथ गोरखपुर और महायोगी गोरखनाथ गौ सेवा केंद्र गोरखनाथ गोरखपुर की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर चंद्रजीत यादव को यहां पर अपनी संस्था की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने की। डॉक्टर चंद्रजीत जी तैयार रहे, श्री केशव त्रिपाठी जी। अखंड मंगलाकार व्याप्तम एन चराचर तक पदम दर्शितम एन तस्मय श्री गुरुवे नमः। सर्वशक्तिमान शक्तिमान शिवावतार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को अंत नमन करते हुए श्री चरणों में आदेश आध्यात्मिक मंच पे विद्यमान गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज अन्य संत महंत योगेश्वर सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के प्रचार फेसबुक पेज से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राओं एवं दर्शकगण मीडिया कर्मी और सभी कार्यक्रमों को संचालन करने वाले भगवान देव जी युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी महाराज शैक्षिक आध्यात्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में एक अलग जगह उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ब्रह्मलीन जो है राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज ने सभी कार्यों को पूरा करते वर्तमान में 4 दर्जन शिक्षण संस्थाएं हैं। विशेष रूप से उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य किया। साधु संत तक ही योग सीमित न रहे जन सम्मान को प्राप्त हो ऐसे में ब्रह्मलीन राज संत महंत अवैधनाथ जी महाराज ने 1980 में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान की स्थापना की जिसमें नियमित 5 से 8 योग चलता है जिसमें सैकड़ों साधक जो अभ्यास करते हैं। आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का योग प्रसाद संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो रहा है और वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में भी योग जो है विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है। ऐसे में युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी की 91वीं एवं राज संत महंत अवैधनाथ जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पे गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक संस्था मैं डॉक्टर चंद्रजीत यादव योगाचार गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक संस्था महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान की तरफ से मैं और अपने साधकों की तरफ से और योग संस्थान से योग प्रशिक्षण प्राप्त संपूर्ण विश्व में फैले हुए योग साधकों की तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक माफी पीपी गंज गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री केशव त्रिपाठी जी को। तैयार हैं मनीष जी। श्रद्धांजलि सभा के साप्ताहिक कार्यक्रम में मंचासीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री अयोध्या धाम से पधारे संतजन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष यूपी सिंह साहब बाड़ा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं के प्राचार्य प्रधान अध्यापक शिक्षक आज योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 91वीं पुण्यतिथि एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं प्रधानाचार्य केशव त्रिपाठी विद्यालय परिवार की तरफ से महंत द्वय के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
सत सत नमन एवं वंदन करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद केशव जी। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ अपने युवा प्रधानाचार्य श्री मनीष दुबे जी को गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज गोरखपुर से। आज की इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य महाराज जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित संतजन, भाइयों और बहनों, मैं मनीष दुबे गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज गोरखपुर की ओर से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के 51वीं पुण्यतिथि पर, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6ठी पुण्यतिथि के पावन अवसर पर महंत द्वय के श्री चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संस्था परिवार, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों की ओर से भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ की स्थापना तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने सितंबर 2013 में गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर भरोहिया शिव मंदिर के पास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष है कि शिक्षा परिषद की नवोदित संस्थाओं में से एक गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। वर्तमान में 10+10+2 की मान्यता प्राप्त है और 1500 छात्र छात्राओं के बीच प्राकृतिक वातावरण के बीच वो संस्था काम कर रही है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने जिस उद्देश्य से उस संस्था की स्थापना की थी, मैं आज संस्था प्रमुख के रूप में आप सभी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं और महाराज जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी रखी हुई आधारशिला को उनके बताए रास्ते पर हम सब चलने के प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। और इसके पश्चात भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की हमारी संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि। मैं आमंत्रित करता हूं श्री रमेश उपाध्याय जी को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज, दिव्यनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज और दिव्यनाथ इंटर कॉलेज संबद्ध प्राइमरी विद्यालय महाराजगंज, इन तीनों संस्थाओं की ओर से श्री रमेश उपाध्याय जी श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर रमेश, परम आदरणीय सदन, श्रद्धेय मंच, परम पूज्य महाराज जी, आज युग पुरुष ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि तथा राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बसे जनपद महाराजगंज के चौक बाजार के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय, दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार तथा संबंध प्राथमिक विद्यालय की तरफ से मैं पूज्य द्वय महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा निस्संदेह यह एक ऐसी कल्पना थी पूज्य महाराज जी का जो 1950 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जंगल था, लकड़हारे थे, अशिक्षा थी, वहाँ आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज की। तत्पश्चात वर्तमान समय में वर्तमान महाराज जी की प्रेरणा से इस समय लगभग 4000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा संबंधित जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 700 छात्र और छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। अत्यंत ही हर्ष की बात है कि अभी इस साल एनसीसी हमारे विद्यालय को महाराज जी के प्रेरणा से मिली है, जिसमें दूर दूर से बच्चे आकर के अपना नामांकन करा रहे हैं और वर्तमान में हम 9th और 1st ईयर में तेजी के साथ हम नामांकन कर रहे हैं। इसी क्रम में
गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में वर्तमान समय में परीक्षा चल रही है तथा वहां भी इस समय प्रवेश कार्य शुरू किए गए हैं। उसमें विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय आदि के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन तीनों संस्थाओं के तरफ से प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा कर्मचारी एवं तथा विद्यार्थी तथा आदरणीय जो उस क्षेत्र के सभी अभिभावक गण हैं, मैं उन सभी के तरफ से अपने दोनों महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा उनके चरणों में दो पंक्ति जो हमारे हृदय में बार बार प्रस्फुटित होती रहती है, एक आत्मीयता जो राष्ट्र संत महाराज जी थे उनका चौक से बहुत ही सानिध्यता थी और उसी सानिध्यता को भांप कर वर्तमान के महाराज जी उस चीज को जानते थे और आज चौक बाजार अत्यंत ही आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं दो पंक्ति दोनों महाराज जी के चरणों में सादर निवेदित करता हूं। जहां नाथ ले चलो, जहां नाथ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जो नाथ कहोगे, जो नाथ कहोगे वहीं मैं कहूंगा, जो नाथ करोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः जय महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा वर्तमान महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश जी, बहुत सारी स्मृतियों को आपने उकेर दिया। सज्जनों, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज जब इस पीठ के पीठाधीश्वर थे उस समय छोटे महाराज जी कहा जाता था ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को, और उनके जीवन का पूर्वार्ध का लंबा कालखंड महाराजगंज छावनी और मंदिर वहां जो है अपना वहां पर उनका बीता था। और मैंने अपने जीवन में किसी संत को उस जमीन से इस स्तर पर जुड़ा हुआ नहीं देखा था जो फर्राटा भोजपुरी, भोजपुरी भाषा भाषी जमीनी स्तर से जुड़े हुए यहाँ के हरिजनों, गिरिजनों, छोटे तबके के लोगों सबसे मिलकर के वो जिस तरह से धारा प्रवाह भोजपुरी में बात करते थे। मैंने पूज्य महाराज से वर्तमान मुख्यमंत्री जी से एक बार निवेदन किया था हास परिहास में कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी बड़े महाराज श्री के स्तर की अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हैं महाराज जी, जो भोजपुरी लोगों से बात करते थे आपस में, और उनका तो तकिया कलाम था, बहुत खुश होते थे तो पीठ ठोक करके और पट्टे क्या हालचाल है। उनकी स्मृतियों को ताजा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और मैं अब सपना जी को आमंत्रित करता हूं दिग्विजयनाथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौक बाजार महाराजगंज की प्रिंसिपल श्रीमती सपना जी को। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धे परम पूज्य महाराज जी, श्रद्धे मंच पर उपस्थित संत जन, उपस्थित सम्मानित विद्वत जन, आप सबों को मेरा सादर नमन। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 91वीं व राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं अपने दिग्विजयनाथ बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय परिवार की ओर से व अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा द्वय महाराज जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का आजीवन प्रयास करती रहूंगी इसका आश्वासन देती हूँ। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सभी शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बंधु बहनों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज
श्रद्धांजलि का पावन पर्व है। कबीर दास जी ने शायद ऐसे ही समय के लिए दो पंक्तियां लिखी थी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो। जय श्री राम। धन्यवाद सपना जी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बढ़ते कदमों का एक प्रतीक महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज गोरखपुर और उसके अधीक्षक डॉक्टर आरपी सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर आरपी सिंह, ब्रह्मलीन श्रद्धेय दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत श्रद्धेय अवैधनाथ जी महाराज जी की साप्ताहिक पुण्यतिथि के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंचस्थ गोरख पीठाधीश्वर पूजनीय महाराज जी, मंचस्थ पूजनीय महात्मा जी, सचिव श्रद्धेय योगी कमलनाथ जी महाराज, आदरणीय प्रोफेसर यूपी सिंह साहब, आदरणीय डॉक्टर राव साहब, समिति के सदस्य आदरणीय श्री प्रमथनाथ मिश्रा जी, कॉलेज की समस्त आदरणीय प्राचार्य अध्यापक एवं प्रबुद्धजनों, शिक्षा स्वास्थ्य और अध्यात्म को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है और वो है अन्न। जैसा कि वेदों में भी वर्णित है, अन्नम ही जीवानाम ज्येष्ठम, और इस अन्न को पैदा करने के लिए खेती करनी पड़ती है, किसानी करनी पड़ती है। इसी क्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश ऋषि काल से ही कृषि प्रधान रहा है और खेती ग्रामीण की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। समस्त जीव एवं वनस्पति जगत एवं मनुष्य के जीवन के परस्पर सामंजस्य का प्राचीन भारत के ऋषि तपोवन में अद्भुत परिचय मिलता है। कृषि के विकास के क्रमों को जारी रखने हेतु युग पुरुषों, राष्ट्र संतों, प्रख्यात एवं महान विद्वानों ने जन्म लिया है, और इसी क्रम में इस गोरखपुर की पावन धरती पर राष्ट्र संत श्री अवैधनाथ जी महाराज एवं श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज का जन्म हुआ, और उन्हीं के द्वारा स्थापित विशाल वट वृक्ष के नीचे एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना मई 2017 से ये कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है, और इसकी स्थापना वर्तमान पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज जी के द्वारा की गई। और यह कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रदेश इस जनपद के कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए महाराज जी ने अपने आपकी जो जमीन थी 50 एकड़ जमीन, वो भारत सरकार से संबद्ध करके और किसानों को नवीनतम जो तकनीकी जानकारी है उसको पहुंचाने के लिए, जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और उनका जीवन यापन सुदृढ़ हो और उनका उनकी जो पोषण व्यवस्था हो उसमें कैसे जो है सुधार किया जा सके, इसके लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यह कृषि विज्ञान केंद्र इस समय जो कार्य कर रहा है उसमें ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण का काम कार्य कराया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। जो प्रवासी मजदूर भाई आए हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनका ज्ञान और कौशल बढ़ाया जा रहा है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसी तरह के तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं, और केंद्र पर जो है एक दर्जन से अधिक ऐसी नवीनतम कृषि तकनीकी की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं जिससे कि किसान भाई देख करके, जानकारी हासिल करके, ज्ञान अपना वर्धन करके अपनी खेती किसानी में निश्चित तौर पर अपनी आय वो बढ़ा सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के विकास में
इस कोरोना कालखंड में बहुत सारे क्षेत्रों में जो है गिरावट देखी गई है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी जो पिछले हफ्ते में मूल्यांकन हुआ है जिसमें कि 3.4% की बढ़ोतरी देखी गई है, और ये प्रदेश के एवं देश के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है और वैज्ञानिकों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से ही जो है ये संभव हो पाया है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी खेती जो है वो लाभप्रद साबित हो रही है और GDP में 3.4% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। आज की इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपने अध्यक्ष जी की तरफ से, और मैं स्वयं जो है महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर आरपी सिंह जी। और हम चिकित्सा क्षेत्रों की तरफ से श्रद्धांजलि मैं आमंत्रित करता हूँ महंत दिव्यनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय गोरखपुर के डॉक्टर DP सिंह साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर DP सिंह साहब। श्रद्धेय मंच एवं आदरणीय सदन, मैं महंत दिव्यनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय परिवार की तरफ से द्वैसंत युग पुरुष महंत दिव्यनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सत नमन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और संस्थाओं की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि मैं आमंत्रित करता हूं अपने डायरेक्टर ब्रिगेडियर KPB सिंह साहब को, गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक गोरखनाथ गोरखपुर, गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ गोरखपुर और नव सृजित संस्था गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोनवर्षा मानीराम गोरखपुर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ब्रिगेडियर KPB सिंह साहब को। ब्रिगेडियर साहब। श्रद्धेय मंच आदरणीय सदन, आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि सभा के इस बेला में मैं स्वयं गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक, गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय तथा गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर को इस पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों का विचार था भारत की जनता कैसे आगे बढ़े, मानव और समाज दोनों की सेवा करके उनको एक साथ लाया जाए। जो मकाले द्वारा शिक्षा पद्धति थी क्लर्क बनाने की, दास बनाने की, उससे हम कैसे आगे निकलें, तो आप लोगों की सोच थी शिक्षित और स्वच्छ समाज ही आगे बढ़ सकता है, अपने बारे में सोच सकता है। उन लोगों द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद शिक्षा प्रशिक्षण के साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी काम आए, आगे बढ़े और चिकित्सा क्षेत्र की इन संस्थाओं की स्थापना की गई। मैं आपको बताऊं, कोरोना संक्रमण काल में जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी चिकित्सा कर्मी वर्तमान पीठाधीश्वर की दिग्दर्शन और दिशा निर्देश से काम की और मनुष्यता की सेवा की। आज भी एक थोड़ा सा विरोधाभास देखा जा रहा है कि सबका ध्यान कोरोना रोगियों की तरफ है, लेकिन जो रोगी कोरोना से ग्रसित नहीं है, अन्य रोगों से ग्रसित हैं, उनकी सेवा चिकित्सालय कर रही है। 3 स्तरों में जांच करके जब ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि वो कोरोना ग्रसित नहीं है तो उनकी जो असाध्य बीमारी है, जो बीमारी उस समय की है, उसकी
सेवा और उसकी देखभाल की जा रही है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक, गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय तथा नवसृजित संस्था गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समाज और मानव की सेवा करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से ये व्यापक स्तर पर सभी संस्थाओं के श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और अब मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रबंध समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर आदरणीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की 51वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के आज 6वें दिन हम लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार की ओर से दोनों संतों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज महंत दिव्यनाथ जी की पुण्यतिथि है कि शिक्षा परिषद ने दोनों संतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में हुई। 88 वर्ष की आयु में भी यह ऊर्जावान है, शक्तिवान है और समाज की सेवा करने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस ऊर्जा, इस शक्ति, संतुलन और कार्यों के पीछे जो हमें सामान्यतम से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यह गोरक्ष पीठाधीश्वर की ओर से। दोनों ब्रह्मजी संतों ने हमें न केवल मार्गदर्शन दिया, संरक्षण दिया, बल्कि हमारे कार्यों का, हमारी प्रगति का अवलोकन किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का आशीर्वाद, हर क्षेत्र में आशीर्वाद दिया। 1932 में एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज एक विद्यालय था। आज 4 दर्जन से ज्यादा विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, चिकित्सा संबंधी सारे क्षेत्रों में ये अपना योगदान दे रहा है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, सिद्धि हम एक विश्वविद्यालय भी एक करने जा रहे हैं ताकि शिक्षा का व्यापकता हो सके। विश्वविद्यालय तो हमने स्थापित किया 1958 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने। गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपने 2 महाविद्यालयों को अगर न दिया होता तो उसकी स्थापना उसमें नहीं हो पाती। और गोरखपुर विश्वविद्यालय से अनेक विश्वविद्यालय उससे टूट टूट कर गए। तो एक तरह से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का पूरे पूर्वांचल में के शिक्षा क्षेत्र के अंदर एक महान योगदान है। हमारा सौभाग्य है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। पूज्य महाराज जी का हमें समय समय पर निर्देश मिलता रहता है। कभी हमें अक्सर उनका चिंतन जो उसके बारे में है उसकी जानकारी मिलती है। कभी कभी हमें उनकी चिंताओं से भी अवगत होना पड़ता है। उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, संरक्षण और सलाह और निर्देश हमारे लिए शिरोधार्य है। हम उसको उसी तरह ग्रहण करेंगे जैसे कि हम कोई व्यक्ति एक मंत्र को ग्रहण करता है। बंधुओं, हम कुछ आज संकल्प लें। आप लोगों ने अपने अपने संस्थाओं के बारे में जो छोटा मोटा वृत्त दिया, हालांकि वो वृत्त पूरा नहीं था, श्रद्धांजलि के टाइम पर आपने कुछ थोड़ी थोड़ी बातें अपने संस्थाओं के बारे में बताई। समय समय पर हम लोग मिलते रहते हैं, महाराज जी के सामने सारी बातें करते रहते हैं और उनसे निर्देश प्राप्त करते रहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं और जहां हमारा कमी है उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। मैं पूरे शिक्षा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के परिवार को भी अपनी बातें रख रहा हूं। और आइए हम संकल्प लें,
जिस उद्देश्य को लेकर के 1932 में जब शिक्षा, जब माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, उसमें मेकाले के शिक्षा का कुप्रभाव पूरे देश में व्याप्त था। उस कुप्रभाव को दूर करने के लिए यह माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। हमारे दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी ने पूरा का पूरा एक विजन दिया, एक दृष्टि दी। पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पार्लियामेंट में भी अपने विजन को प्रस्तुत किया, पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने विजन को प्रस्तुत किया। हमें प्रसन्नता है कि जो उन्होंने विजन दिया था, जो दृष्टि दी थी, आज का उसका बहुत कुछ अंश हमारे उच्च शिक्षा का जो अभी अभी जो स्वरूप आया है उसमें समावेश किया गया है। तो हम संकल्प लें कि हम एक्सलेंस पर ध्यान देंगे, रेलिवेंस पर ध्यान देते, हमारी शिक्षा प्रासंगिक हो, गुणवत्तापूर्ण हो और समाज के लिए उपयोगी हो। हमें महाराज जी का निर्देश का हम पालन करें, जहां हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें और हम सब मिलकर के जिस उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और जिस उद्देश्य की, जिन उद्देश्यों और सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें। आज शिक्षक दिवस है। मैं माणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से, माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े सारे शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक की सफलता कोई मानदंड नहीं होता, एक चिकित्सक की सफलता का मानदंड होता है लोगों को नियोग कर दे, एक एडवोकेट का मानदंड होता है उसके उसके उत्कृष्टता का मानदंड, सफलता का मानदंड होता है, एक बिजनेसमैन का होता है। लेकिन शिक्षक के सफलता का, वो सफल शिक्षक है कोई कह दे तो इसके माने वो संतुष्ट हो गया अपने, ऐसा नहीं है। हमारे मानदंड इतने ऊंचे हैं, क्या ही हम उन मानदंडों को ऊपर आगे बढ़ते जाएं। मैं आप लोगों के प्रति, सारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थाओं जुड़े समस्त शिक्षकों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए और अपने को आपके साथ संबद्ध करते हुए अपनी बातों को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब पूज्य संत जनों की ओर से युग पुरुष ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान नई दिल्ली से पधारे कालिका मंदिर नई दिल्ली से महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि के दो शब्द। श्री गुरुवे नमः, शिव गोरक्षाय नमः। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, डॉक्टर साहब सुरेश दास जी वे अन्य संतगण, आज परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज की 91वीं पुण्यतिथि और राष्ट्र संत परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि महाराज श्री ने इस सुदूर क्षेत्र में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जितना प्रयास किया, जो ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की वो उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है। उनके द्वारा लगाए गए जो बीजारोपण किया था उसको पुष्पित और पल्लवित करने के लिए परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उनकी जड़ों को सींचा और आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हम लोगों के सामने हैं। मैं अब परम पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और प्रातः वंदनीय स्मरणीय राष्ट्र संत परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं महाराज जी। और इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करता हूं अयोध्या धाम से पधारे कथाव्यास अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को पूज्य महाराज श्री के प्रति श्रद्धांजलि के दो शब्द अर्पित करने के लिए। Mm-hmm.
रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन पूज्य श्री महाराज जी, उनके पार्श्व में विराजमान अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री सुरेश दास जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, दिल्ली से पधारे पूज्य महाराज श्री एवं समस्त संतवृंद एवं धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, जैसा कि विदित है युग पुरुष महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत श्री अवैद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत आज सप्तम दिवस की इस प्रातःकालीन सभा में हम सभी लोग समुपस्थित हैं और पूज्य महाराज श्री के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके अस्तित्व पर विभिन्न प्रकार के वाक्य और शब्दों के द्वारा महापुरुषों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी वाक् पुष्पांजलि प्रस्तुत की। बस थोड़ी सी बात मैं कहूंगा कि समाज में शिक्षा समाज का रीढ़ है, शिक्षा ही से ही समाज का सृजन होता है, शिक्षा से ही राष्ट्र का अभ्युदय होता है और शिक्षा से ही मानव का आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा सही दिशा में होती है, सार्थक होती है, नैतिकता पूर्ण होती है, तभी वो शिक्षा एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर पाती है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित ये देश बहुत से दंश को झेलता रहा और आज भी कहीं न कहीं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर के अनेक प्रकार के दंश को हमारा समाज झेल रहा है। लेकिन ऐसे कराल समय में आज से कई दशक पूर्व 1932 में पूज्य महाराज श्री के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई, जिसके निर्देश में, जिसके मार्गदर्शन में भारतीय परंपरा, भारतीयता, हिंदुत्व, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और जिसके तहत अनेकों संस्थान, जैसा कि मैं मंच पे बैठे बैठे सुन रहा था, लगभग 50 संस्थान, शैक्षणिक संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करके शिक्षा का दीप जला रहे हैं और आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सभी शिक्षकों को भी हम शुभकामना प्रदान करते हैं। पूज्य महाराज श्री ने जो कार्य किया, आज उनका पांच भौतिक शरीर भरे हमारे बीच में विद्यमान न हो, लेकिन उनका कीर्तिमय विग्रह, उनकी कीर्तिमय काया, उनका कीर्तिमय शरीर आज भी हमारे मध्य में विद्यमान है। शास्त्र कहता है कीर्तिर यस सजीवती, जिसकी कीर्ति होती है वही संसार में जीता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और अपने पांच भौतिक शरीर से संसार के भोगों को भोग कर चले जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कार्य किया, ऐसे महापुरुषों को जुगों जुगों तक लोग याद करते हैं और उनकी स्मृति में, उनका स्मरण करके, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम स्वयं कृतकृत्य होते हैं। यही कृतज्ञता ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, यही सनातन धर्म का स्वरूप है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा पर जा रहे थे तो उस समय समुद्र ने मैनाक से कहा कि प्रकट होकर के हनुमान जी महाराज की सहायता करो, तो उन्हें थोड़ा विश्राम का मौका मिल जाए। तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि यही लिखते हैं, कृते प्रतिचक्रतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृते प्रतिचक्रतव्यम, जिसने मेरे लिए कुछ किया है उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, ये कृतज्ञता का बोध, यही सनातन धर्म है। कृते प्रतिचक्रतव्यम एष धर्म सनातन। और सनातन धर्म की जितनी विधाएं हैं वो सब इसी मूल मंत्र पर आधारित हैं। हम प्रातः काल उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं, यह एक कृतज्ञता ज्ञापन ही है। जिन सूर्य की किरणों से,
उनकी ऊष्मा से हमें ऊर्जा मिलती है, उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, एक लोटे में जल लेकर के अर्पण करके अपनी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रातः काल उठ करके पृथ्वी को स्पर्श करके हम प्रणाम करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी मुझे धारण करती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन ही कर सकते हैं। तो यह कृतज्ञता का बोध, यह कृतज्ञता, यही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और ऐसे महापुरुष परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो प्रेरणा का दीप जलाया, जो आध्यात्म का दीप जलाया, हिंदुत्व का दीप जलाया, इसमें हम स्नेह का काम करते रहे और इस दीपक को हम प्रज्वलित करते रहे और इसको हम इसके द्वारा संसार को समाज को प्रकाशित करते रहे। और ये गोरक्षपीठ, इस पीठ के महापुरुषों ने भारतीयता को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को जो दिशा दी है, जुग जुगों तक लोग इस पीठ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहेंगे। ऐसे दोनों महापुरुषों के प्रति महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत श्री अवैद्यनाथ जी महाराज के पावन चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन दोनों महापुरुषों को मैं बार बार नमन करता हूं। और मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर, वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री को भी नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और अब इस सदन के लिए और इस सदन के श्रोताओं के लिए अत्यंत लोकप्रिय सर्वप्रिय संत अयोध्या धाम से पधारे, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे महान सुरेश दास जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रद्धांजलि के दो शब्द प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय महान सुरेश दास जी महाराज, जय श्री राम। आवाज नहीं है भाई, समारोह में बैठे हैं। जय श्री राम। युग पुरुष अनंत विभूषित श्री दिग्विजयनाथ की एकानवी पुण्यतिथि एवं राष्ट्रीय संत वीतरागी वीरागी त्यागी तपोनिष्ठ आत्मा भी पूर्ण निष्काम श्री बड़े महाराज जी की छठवीं पुण्यतिथि में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी सम्माननीय पूजनीय श्री महाराज जी, श्री व्यास जी, श्री सुरेंद्रनाथ जी, ये पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि हम क्यों मनाते हैं? इसलिए गृहस्थ जो है जन्मदिन मनाते हैं और साधु समाज जो है पुण्यतिथि मनाता है। पुण्यतिथि हम इसलिए मनाते हैं कि पुनः महात्मा का संसार में जन्म नहीं होता है, इसलिए हम उनका पुण्यतिथि मनाते हैं। और पुण्यतिथि इसलिए हम मनाते हैं कि एक समारोह है जिसमें गो सेवा हिंदुत्व कैसे बचे इसकी चर्चा होती है। और ये गोरखनाथ पीठ की ही देन है कि प्रति वर्ष आज 51 वर्ष से ये समारोह चल रहा है। और हमारा खास करके महाराज जी से निवेदन है कि अभी महाराज श्री ने जो फैजाबाद था उसका नाम अयोध्या, फैजाबाद को खत्म करके अयोध्या, और जो प्रयाग था तिरुपति प्रयाग उसको इलाहाबाद कहा जाता था, सीधे अल्लाहाबाद, उसको महाराज श्री ने तिरुपति प्रयाग कर दिया। और मेरा महाराज जी से अब निवेदन है और है कि आजमगढ़ और अलीगढ़ ये दोनों नाम को समाप्त महाराज जी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसकी हम चर्चा महाराज जी से बहुत पहले किए थे, महाराज जी को याद हो चाहे न हो, इसकी चर्चा हम बहुत पहले किए थे महाराज जी से। आज महाराज श्री ने उस काम को कर दिखाया है। तो ऐसे युग पुरुष श्री
अवैधनाथ जी और श्री दिग्विजयनाथ जी के चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत करके संथाल जी समर्पित करते हुए वाणी का विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में, जीवन तो मैंने सौंप दिया है मातृभूमि की राहों में। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मातृभूमि, राष्ट्रीयता, भारतीयता और भारतीय लोकतंत्र के लिए, सेवा के लिए समर्पित करने वाले परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश श्रद्धेय महाराज श्री, वर्तमान में यशस्वी, तपस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री, मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने गुरुजनों के प्रति, अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। पूज्य महाराज श्री, युग पुरुष परमलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, कालका जी मंदिर दिल्ली से पधारे श्री महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, काशी से पधारे सत्वा बाबा आश्रम काशी के श्री महंत संतोष दास जी महाराज, महंत रामबिलन दास जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संत चरण, महाणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रभारी और निदेशक गण, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में गोरखपीठ और महाणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने पूज्य आचार्यों के प्रति, उनके पुण्यतिथि कार्यक्रम के कार्यक्रमों को तकनीक का उपयोग करते हुए अनवरत आगे बढ़ा रहा है और आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। ये वैसे भी श्राद्ध पक्ष माना गया है। गोरखपीठ के दोनों आचार्यों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों की पुण्यतिथि इसी एक पक्ष के अंदर एक दिन के अंतराल में पड़ती है। अपने पूर्वजों का स्मरण, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबको एक अवसर देता है, साथ ही साथ अपने आप का मूल्यांकन करने का भी एक अवसर देता है।
आज गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम एक वर्चुअल संवाद और समारोह के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप के मूल्यांकन का भी एक अवसर। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बारे में क्या सोचा था, इन 51 वर्षों में हमने कितनी दूरी तय की, इन 51 वर्षों में कहां पे हमें सफलता प्राप्त हुई और कहां पे सफलता से हम वंचित रहे। हमारी सफलता एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। अपनी उन कमियों का मूल्यांकन करना जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए, और उन कमियों का परिमार्जन करते हुए सफलता की उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना जो लोक मंगल का कारक बन सके। ये हम सब के सामने सदैव एक चुनौती बनी रहेगी। हमारा प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष हमें इसके लिए प्रेरित करता है, और कुछ नयापन करने के लिए भी निरंतर प्रेरित करता रहता है। हम सबको चाहिए, आज जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अधिकतर संस्थाओं के प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण यहां मौजूद हैं, उन्हें देखना चाहिए। कि जीवन में सफलता के लिए नित नए प्रयास करने पड़ते हैं। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बनाए रखते हुए उससे आगे के विकास के क्रम में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य करना एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपनी संस्था को समाज के लिए और लोक के लिए आदर्श और प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनाने के साथ ही हम उसे लोक मंगल के पथ पर कैसे अग्रसर कर सकते हैं, यह चुनौती हम सबके सामने सदैव बनी रहेगी। हर एक संस्था को इस दृष्टि से अपना मूल्यांकन करना होगा। आपने देखा होगा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के अधिकतर सपनों को उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने अपने समय में पूरा किया। गोरखपीठ का यह स्वरूप, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रगति, नाथ पंथ से जुड़ी हुई स्थलों के विकास के बारे में सोच, सनातन धर्म
और भारत के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास, इसकी पृष्ठभूमि में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा ये सदैव बनी रही। और इस पद पर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। जो कार्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यावत जीवन करते रहे, वही कार्य उसी का प्रतिफल है कि जो भी अपेक्षाएं थी इन पूज्य संतों की वे पूर्ण होती भी दिखाई दी। और मैं निसंदेह बात को कह सकता हूं, पिछला एक वर्ष गोरक्षपीठ और माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के रूप में भी मनाया। पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया। इन दोनों महापुरुषों एक का 125वीं जयंती थी, एक की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम हुए। मार्च के बाद इन कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत विराम आई होगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन और उसके बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम अपेक्षित होने चाहिए थे सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे पहले मार्च तक अधिकतर कार्यक्रम संपन्न हुए। और इन दोनों महापुरुषों की एक के 125वीं जयंती का कार्यक्रम, दूसरे पूज्य संत की एक शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन की जो चरम लक्ष्य था, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस धराधाम पर आकर के उसके अपने जीवन का ध्येय बनाया था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर ये दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, तो स्वाभाविक रूप से इन पूज्य संतों की आत्मा को भी असीम शांति की अनुभूति हुई होगी। उन्होंने ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस आंदोलन को लड़ा ही नहीं, उसके अनुरूप जीवन भी जिया। गोरक्षपीठ और गोरक्षपीठ से जुड़ी भी संस्थाएं मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, कोई वर्गभेद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई छुआछूत अस्पृश्यता का भाव नहीं, क्योंकि राम उनके आदर्श थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मान करके उस आदर्श के अनुरूप स्वयं जीवन जीना और उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करना, उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना, अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। आपने, आप में से ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के उद्बोधन को, उनके वक्तव्यों को अक्सर सुना होगा, जाना होगा।
आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को सुना होगा या उन्हें देखा होगा, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अभिद्यनाथ जी महाराज का दर्शन और उन्हें सुनने का अवसर आप में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा उनके भाषण का एक पाठ जरूर सामाजिक समरसता के लिए समर्पित होता था और वह उसके अनुरूप अपनी सहजता अपनी सरलता के अनुरूप वह निरंतर इस मुद्दे को छूते थे और सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि अतीत की गलतियों के परमार्जन का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस परमार्जन के माध्यम से ही हम एक समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण को आगे बढ़ा सकते हैं। हम विभाजित थे इसलिए गुलाम हुए, हम संगठित होकर के लड़ाई लड़े या देश आजाद हुआ, और ये भाव जो उनके मन में था जिस मुद्दे को लेकर के वे कार्य करते रहे उसके अनुरूप उन्होंने जीवन भी जिया और उसके अनुरूप उन्होंने अन्य लोगों को प्रेरणा भी प्रदान की। और यही कारण था कि व्यापक परिवर्तन समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने सुनने को प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से गोरखपीठ के इन दोनों पूज्य आचार्यों के प्रति श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, मैं मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं हो सकती थी क्योंकि COVID-19 का प्रोटोकॉल है, उस गाइडलाइन का पालन करना था, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ की ओर से आयोजित किया गया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें मूल्यांकन करना होगा अपने आप का, अपनी संस्था का, कि क्या हमने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्थाओं के विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है या नहीं किया है। याद रखना, सफलता का कोई एक स्तर नहीं हो सकता, और अगर हमारी संस्था या हमारा कार्य अन्यों के लिए प्रेरणादायी न हो सकता हो, अन्य लोगों के लिए मानक न बन सकता हो, अगर हमारे कृतित्व अन्य लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा नहीं बन सकती है, तो हमें स्वयं के मूल्यांकन को अवश्य करना चाहिए। अपने कृतित्व को ऐसा बनाइए कि आपका कार्य क्षेत्र, आपकी संस्था औरों के लिए मानक बन सके, औरों के लिए आदर्श बन सके। एक अवसर है, एक कोरोना कालखंड तो एक अवसर है जहां पर नए प्रयोग करते हुए हम लोग अन्यों को भी इस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र पिछले 5-5.5 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ हुई हैं। हम ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हो सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम हाई फाई नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम महंगा नहीं हो सकता। तकनीक सस्ती भी हो, सहज भी हो, सुग्राह्य भी हो और सहजता के साथ लोगों को प्राप्त, लोग उसको प्राप्त भी कर सके,
हम शिक्षण संस्थाएं इस रूप में भी कार्य कर सकती हैं और अपने यहां भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस पूरे कार्यक्रम को, आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम केवल यहां पर कुछ सीमित संख्या में लोग इस कार्यक्रम में बैठते रहे हैं। दोनों सत्रों में, प्रातःकालीन सत्र में इन दोनों महापुरुषों ने जिसके अनुरूप जीवन जिया, उससे जुड़े हुए उन विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सम्मेलनों का आयोजन होता है। सायंकालीन सत्र में जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की पावन, यहां पर उनके श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री नाम की पावन कथा के श्रवण का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन तकनीक के जो ये लोग यहां पे बैठेंगे उनको तो साफ सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, लेकिन जो यहां पर नहीं है, नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए विभिन्न अन्य माध्यमों से उन तक पहुंचने का भी रास्ता तलाशा गया। ऐसा कार्य मुझे लगता है आने वाले समय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से कुछ छात्रों को क्लास में उपस्थिति के माध्यम से, कुछ को वर्चुअल रूप से उनके घरों तक जोड़ने का माध्यम बना सकती है। एक नया तरीका हम लोग अपना सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच, हर तकनीक को जितनी सहज और सरल हम बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने का माध्यम बनाएंगे, वह उतना ही ग्राह्य होता हुआ दिखाई देगा और उतनी ही सहज और सरलता से आम जन की उसको अपनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कार्य हम तकनीकी संस्थाओं के लिए भी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं और तकनीकी संस्थाओं की बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे एक सामान्य नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, आपने देखा होगा पूरे कोरोना कालखंड में जो भी पैसा हम देते थे गरीब के खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता था, उसको बैंक में जाने की या उसके पास कोई व्यक्ति जाकर के पैसा उसके उसके साथ उसके पहुंचाए इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बटन दबाया करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। तकनीक का उपयोग, तकनीकी संस्थाएं उस तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का रास्ता निकाल सकते हैं, ये कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है इस पर विचार करना, कोरोना का मतलब सारे कार्य को ठप कर दो ये नहीं हो सकता, बीमारी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम पलायन कर जाएं। हमें इस चुनौती से जूझना पड़ेगा, स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाव का मार्ग भी प्रशस्त में करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं, तकनीक से भी जुड़ सकती हैं। जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पे तो केवल कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का उपचार हो रहा है, लेकिन जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं उनको कोरोना से बचते हुए शेष मरीजों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है, एक बड़ी चुनौती इनके सामने भी है। ये कार्य बेहतरीन तरीके से हो सकता है, कुछ नयापन करके हम कर सकते हैं, इसमें रुचि लेनी पड़ेगी। हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं मानवता की सेवा का और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का, एक महत्वपूर्ण कालखंड भी है ये। कोविड 19 की चुनौती के बीच इस प्रकार के अनेक नए प्रयास किए जा सकते हैं और ये प्रयास करने का एक माध्यम स्वयं बचते हुए लोगों को बचाते हुए हम लोग लोगों के जीवन में मंगल कामनाओं की ओर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, एक भाव हम लोग इसके माध्यम से पैदा कर सकते हैं। ये कालखंड हमारे लिए और भी तरीके से उपयोगी हो सकता है। कोरोना का मतलब ये नहीं कि शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह ताला बंद करके हम बैठ जाएं, सामान्य साफ सफाई भी ना हो,
जब 6 महीने 7 महीने के बाद विद्यालय आपके खुले तो विद्यालय देखने लायक न बन रहे। साफ सफाई तो नियमित होनी ही चाहिए विद्यालयों में। हम वहां की लैब को, वहां के लाइब्रेरी को, वहां के क्लासरूम को, वहां के ऑफिसेज को, वहां के अन्य संस्थाओं की मरम्मत आदि के कार्यक्रम को भी बहुत व्यवस्थित रूप से आगे कर सकते हैं कि जब विद्यालय खुले उस समय जब बच्चे आए वे सीमित संख्या में ही क्यों ना हो, उस समय वह उस प्रकार का दर्शनीय लगे, उसको कुछ चेंज दिखाई दे, कुछ परिवर्तन दिखाई दे। याद रखना, आप जीवन में सफल तब हो सकते हैं जब चुनौती से 2 कदम आगे आप स्वयं आगे चलने की रणनीति के तहत कार्य कर सके। अगर हम चुनौती के पीछे हैं तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम चुनौती से प्लान कर रहे हैं, सफलता कभी आपके पास नहीं आ सकती है। चुनौती से 2 कदम आगे बढ़ते हुए हम उसके अनुरूप रणनीति, चुनौती से बचते हुए, संक्रमण से बचते हुए और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जब हम पूरे जज्बे के साथ कार्य करेंगे तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी। और कोरोना कालखंड इसके लिए हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अवसर पर महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं अपना मूल्यांकन करें और इस बात का मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या प्रगति की है, कहां पर उनकी प्रगति बाधित हुई है, कहां पे कौन सी खामी है कि जिसे आप आपस में बैठ करके उसकी समस्या का मार्ग निकाल सकते हैं। ये सभी कार्य हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अपने संस्थापकों के प्रति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का और अपने पूर्व आचार्यों के प्रति गोरखपीठ का यह एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। हम एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं इस माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने गोरखपीठ के इस प्रांगण में इन महापुरुषों को स्मरण किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को कोरोना कालखंड के दौरान COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, उसका पालन करते हुए यहां पर यह आयोजन आयोजित किया है। सचमुच यह शिक्षा परिषद और गोरखपीठ दोनों से जुड़े हुए जो भी आयोजक मंडल से जुड़े हुए सदस्यगण हैं वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिनकी प्रेरणा और जिनका आशीर्वाद हम सबका एक बहुत बड़ा संबल सम विषम परिस्थितियों में सदैव बना रहा है, ऐसे ब्रह्मलीन गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उस पूज्य संत के प्रसिद्ध चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा और उनका प्रकाश महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। हम लोग उसके अनुरूप निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि की दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आज शिक्षक दिवस भी है। देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती का दिन भी है। देश के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। अभी इसी सप्ताह देश के पूर्व राष्ट्रपति, देश के वरिष्ठ राजनेता श्री प्रणब मुखर्जी भी दिवंगत हुए हैं। राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता के साथ कैसे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठाओं के कारण हर नागरिक सम्मान का पात्र बन सकता है, श्री प्रणब मुखर्जी उसके एक आदर्श उदाहरण रहे हैं। अभी विगत सप्ताह ही उनका देहावसान हुआ है। मैं इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य थे, रहे डॉक्टर पीपी शाही। इस कोरोना कालखंड में वह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए थे और उनका दुखद निधन हुआ है। वे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से बहुत लंबे समय से जुड़े थे। उनके पूज्य पिताजी भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े थे। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीपी शाही जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी महानुभावों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना से जूझते हुए औरों को बचाते हुए स्वयं इसके शिकार हुए हैं, उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपने अपने स्तर पर सहयोग देंगे। मैं एक बार फिर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनकी 91वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन, आपका पाथेय प्राप्त हुआ। शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं को और वे अपना मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन करती हुई आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस प्रातःकालीन संगोष्ठी के अंतिम पायदान पर मैं मातृभूमि की वंदना करने के लिए आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की छात्राओं और बहन रीना चटर्जी को। वंदे मातरम। आप सभी अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। सुमिता
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम रीना जी और एमपी बालिका की बच्चियां, आज के प्रातःकालीन सत्र की सभा यहीं पूर्णता को प्राप्त करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत